नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। आरजेडी नेता व बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल असम के गुवाहाटी में है। आज मां कामाख्या का आशीर्वाद लिया है तेजस्वी यादव ने, लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव जमकर बरसे हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर। तेजस्वी यादव बंगाल और असम में होने वाली चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, फिलहाल गुवाहाटी में हैं। असम में किसके साथ गठबंधन करना है, इन तमाम बातों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कई नेता भी असम में हैं फिलहाल, लेकिन गुवाहाटी पहुंचे तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है गुवाहाटी में, जरा सबसे पहले आप सुनिए। रवैये के हिसाब से वो लोग जो हैं काम कर रहे हैं, देश के 125 करोड़ लोगों के लिए काम करना चाहिए, तो मोदी जी जो है कुछ चंद लोगों के लिए ही केवल काम कर रहे हैं। रेलवे बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, सेल बिक गया, भारत पेट्रोलियम बिक गया, अब तो खेत बेचने की बारी आ गई। तो जब फार्मर्स से यू डोंट हैव अ टाइम टू मीट टू रिजॉल्व देयर इश्यूज, यू हैव टाइम फॉर टू मीट सेलिब्रिटीज बट नॉट द फार्मर्स हु इज एक्चुअली फीडिंग ऑल कंट्री, ऑल द सिटीजन। तो इसमें तो बहुत ही बड़ा मसला है। अब राहुल गांधी जी ने अपनी बात को रखी है, लेकिन इसमें जुडिशरी के बारे में हम कुछ जैसे इन दिस इलेक्शन सीजन आरजेडी इज ट्राइंग टू एक्सपैंड इन असम एंड अदर स्टेट्स एज यू से, टेल अस अबाउट योर आरजेडी इज रोल हियर। नहीं, ऑब्वियसली इट इज माई ड्यूटी एज अ बींग ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑल्सो कि अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है तो उसके लिए हम लड़ें, उसके लिए हम आवाज़ उठाएं। तो हम यहाँ आए हैं और नेचुरली ऑब्वियसली वी हैव अ पॉलिटिकल पार्टी व्हिच यूज्ड टू बी अ नेशनल पार्टी ऑल्सो, नाउ वी वांट टू एक्सपैंड। कितने सीटों पे लड़ने की प्लान है? ये तो अभी तो बातचीत करेंगे, तो आज एक दिन में ही सारी बातें हो जाएंगी, तो अगले बार क्या पूछिएगा। एक एक सीधा सवाल, असम में आप जो लॉन्च कर रहे हैं अभी? हां, अभी बातचीत चल रही है। As I have mentioned, if both the Congress and the AUDF decide that they would not like to be you to be part of the alliance, then we'll see, we'll talk to you then. तो गुवाहाटी में तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बहुत जल्द करेंगे गठबंधन। किसके साथ गठबंधन होगी तेजस्वी यादव की, ये बातें हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।